अरे यार, आप बिल्कुल इम्प्रेस करते हैं यार मुझे, क्या बात है आप। माज भाई, बस आज तारीफों की जो है ना, आपने पुल बांध दिए हैं। कह रहे आउटलाइन द इफेक्ट्स ऑफ आर्टरीज इन कॉरनरी आर्टरीज ऑन ब्लड फ्लो थ्रू दीज कॉरनरी आर्टरीज एंड द रिजल्टिंग इफेक्ट ऑन द हार्ट इटसेल्फ। अरे अच्छा, ओके। अब देखो होता क्या है, जब आप कॉरोनरी आर्टरी में, कॉरोनरी आर्टरी की बात करते हैं या आप हार्ट डिजीजेस की बात करते हो कॉरोनरी आर्टरी में, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, कॉरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। सही है। दो बातें तो वैसे समझाने के लिए बता दूं, कॉरोनरी आर्टरी कॉरोनरी आर्टरी सप्लाईज हार्ट। हार्ट को भी तो जरूरत है ना ब्लड की, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है बुशरा, तुम्हारी वाली बात पे भी आते हैं। अभी कॉरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई देगी और साथ में क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो तुमने समझना है यहाँ पर, एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, हम लोग दो चीजें पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे एथेरोस्क्लेरोसिस और एक पढ़ते थे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सही है। एक है ब्लड वेसल्स की, सिर्फ आर्टरीज की स्क्लेरोसिस, और दूसरी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो उसके अंदर स्क्लेरोसिस दोनों में हो रहा है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। सही है। नेक्रोटाइजिंग ऑफ टिश्यू ऑफ द हार्ट इंक्रीज। अच्छा जी, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के अलावा बाकी सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। वैसे तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना भी सही है, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। लूप में नहीं आ रहा लेकिन ना, कि इन्फार्क्शन हो गया उसके बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहेंगे कि हम लोग इन्फार्क्शन होने से पहले प्रेशर इंक्रीज हो तो फिर सही है। ठीक है, चलो अब जरा सीक्वेंस देखो और इवेंट समझो। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एक्सेसिव फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, डिपॉजिट्स इनटू द, हाँ बेटा ये वाला एम्बोलस फॉर्मेशन का है, बिल्कुल। इनटू द ट्यूनिका इंटरना, द इनर वॉल ऑफ अ वेसल, विच अल्टीमेटली ग्रो ग्रो एंड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द वेसल। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इलास्टिसिटी and recoil of the vessel wall. This in turn compromises the blood supply ऑफ हार्ट। एंड चार से तो ऊपर ही जा चुके हम लोग मार्क्स के हिसाब से, लेकिन खैर हो गई। ट्यूनिका इंटरना इज ट्यूनिका इंटिमा, यस सेम थिंग। इसको इनर वॉल कह दो, बात वही है। सही है। एंड 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 मैं कहां पे था,
एंड नेक्रोटाइज द टिश्यू ऑफ हार्ट। सही है, मैंने बात बिल्कुल रिलेट करके बताई है कॉरोनरी आर्टरी में, क्योंकि उसने सवाल में बोला था एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है इन कॉरोनरी आर्टरीज, बात यहां पे भी हो सकती है। नेक्रोटाइज यार होता है सेल डेथ, मैं बता देता हूं आप इसको पूरा लिख लेना, मैं इसलिए शॉर्ट करके लिखना चाहता, सेल डेथ ड्यू टू हाइपोक्सिया, यानी कि अब हाइपोक्सिया का मतलब मैं पहले ही लिख दूं, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कम ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया ऐसे, सही है, ठीक है भाई। दिस अल्टीमेटली कॉज पेन, इसके पेन को हम लोग कहेंगे एंजाइना, ऐसे भारी भारी दो चार टर्म्स लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, सही है, और लीड टूवर्ड्स इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया और नेक्रोटाइज होना एक ही बात है, नेक्रोटाइज जो सेल मर जाएगा उसको कहेंगे, और इस्कीमिया जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी जिस वजह से उस टिश्यू के सेल नेक्रोटाइज हो रहेंगे उसको इस्कीमिया कहेंगे। तो हार्ट डिजीज जब इस वजह से होती है तो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। अगर तुमने प्लैक फॉर्मेशन नहीं बताया, अगर तुमने एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं समझाया, बाकी सब चीजों में घुस गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जीरो भी दे सकता है एग्जाम। तुमने ये जरूर बताने के फैट या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, या इसकी जगह पे तुम बता सकते हो प्लैक फॉर्मेशन हो रही है, या इसकी जगह पे तुम बता सकते हो एक्सेसिव प्लेटलेट्स एम्बेड हो रहे हैं इनटू द लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द वेसल, ठीक है। चलो जी, तो बहुत आसान सवाल आ गया, मतलब इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं होगा, इससे आसान सिर्फ ये होगा कि आप जो है ना अफतारी में बैठ जाए और अफतारी कर लें, दावत में किसी के, अपने घर की नहीं, अपने घर के अफतारी में आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, दावत में जाए अफतारी कर लें, ज्यादा आसान वो होगा। सर ये सीओपीडी वाला लिख सकते हैं, सीओपीडी अभी क्या हो गया मेरे बच्चे, सीओपीडी यहाँ कैसे, तुम थ्रोम्बस वाली बात कह रहे थे, हाँ वो लिख सकते हो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की, लेकिन रूट बतानी पड़ेगी। आप बड़े दिल से बोले भाई, आजकल मैं अपने घर में मेरी जिम्मेदारी पे पकौड़े हैं और फ्राइज है और रोल है, ये तीन चीजें मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए बहुत दिल से निकली है ये। चलो सैटरडे की इफ्तार पक्की है मेरी तरफ से, डन, नहीं भूलेंगे। State three ways in which the structure of a red blood cell differ from the structure of the cell shown. अच्छा, कोई सेल बनाया हुआ नहीं है, मैं बता दूं इन्होंने यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल बनाया हुआ था ऐसा, सही है। तो रेड ब्लड सेल में क्या फर्क आ जाता है कि भाई इसके पास, ओके रिदा बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, सही है जी, इसके अलावा इसके पास हीमोग्लोबिन मौजूद है, सही है, इसके अलावा ओके अभी तुम्हारा पॉइंट लिख रहा यार मैं, सही है, दोनों के पॉइंट लिख देता हूं, इट हैज स्मॉल साइज एंड बाय कॉनकेव शेप, ठीक है जी, डन हो गया। आगे बढ़े, टेबल 4.1 शोज द रेड ब्लड सेल काउंट फॉर टू पीपल फ्रॉम पीरू, ये पीरू क्या है, आई डोंट नो, वन हु लिव्ड एट द सी लेवल एंड द अदर वन हु लिव्ड एट 5000 मीटर्स, ओके पीरू इज द कंट्री, ओके ठीक है जी, तो 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल, पाकिस्तान कर देते यार, पता नहीं कौन सी पीरू शीरू डाल दिए। ओके मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कैम्ब्रिज के पेपर में पाकिस्तान का नाम आए, कराची लाहौर इस्लामाबाद ऐसा कुछ आए यार, मतलब बिला वजह में पीरू, अजीब फारे नाम भी तो देखो क्या, पीरू ऐसा लग रहा है कोई पीरी मुरीदी वाला चक्कर चल रहा है।
हाँ कोई क्रांची विरांची आए कुछ है ना। चलें जी, सी लेवल कितना है? सी लेवल है 5, सी लेवल वाले का ब्लड काउंट है 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब और 6.3 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। हाँ हाँ बेटा मुझे याद है। टेंशन नहीं लो, तुम लोग परेशान हो गए हो बिला वजह। अब होता क्या है कि तुम्हें ये बताना है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द रेड ब्लड सेल काउंट इज मच हाई इन द पर्सन हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड। यार वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, हाई एल्टीट्यूड वाले का कुछ नाम है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, क्या नाम रखे हैं इसका, इसका नाम रख देते हैं अजीमुल्ला। सही भाई, तो अजीमुल्ला जो है ना वो कहाँ रह रहा है? वो रह रहा है हाई एल्टीट्यूड पे। तो एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। यार ये तो एक मार्क हो गया ना, ठीक है। दूसरा मार्क क्या हो जाएगा? टू कंपनसेट, बिल्कुल मास, मैं तुम्हारा पॉइंट एक उठा रहा हूं, टू कंपनसेट द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर रेड ब्लड सेल्स। इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी रेड ब्लड सेल्स बनाएगी, ठीक है। So that more hemoglobin can be carried throughout the body to carry more oxygen. I hope कि यार यहाँ तक की बात हो गई होगी clear. हाथ दिया बेटा इसको, ये line पड़ी रह जाएगी बेटा, इसको हटा दो बेटा, अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, बहुत बुरी लग रही है बहुत। चलो हट गई, सही। अच्छा जी, as blood passes through the capillaries in the lungs, it became oxygenated. यार ये तो हमें पता है, मतलब इतना मुश्किल बात बता दी इन्होंने, है ना। Explain how the structure of hemoglobin aids the uptake of oxygen in the lungs. हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं इसलिए बता रहा, शायद अगर तुम्हें तुमने ना देखा हो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे इससे ऊपर। When the first oxygen molecule attaches the hemoglobin, it distorts the shape of the hemoglobin, which makes it easy for the second oxygen to get attached. ये जो टॉपिक बताने का जो ना, मतलब किसी ने अगर फायदा उठाया है ना तो वो एक ही बच्चा, उसका नाम है मास। टॉपिक पहले से बताने का जो फायदा उठाया है, सही है। तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो होता क्या है कि आपके पास एक हीमोग्लोबिन में वन हीमोग्लोबिन carry 4 polypeptides with 4 heme groups, which has 4 oxygen molecule. इसमें आप बता देना, तो हीम कैरी आयरन, हीम क्या कैरी करता है? आयरन। आयरन कौन से आयन में? आई गेस फेरस आयन कहलाता है। यार ये याद कर लो, तो खाली आयरन लिख देना, सही है। या फिर अगर Fe लिखो ना, 2+ जरूर लिखना, सही है। अगर 2+ नहीं लिखोगे तो भी गलत, और 3+ लिख दिया गलती से तो भी गलत, सही है। और फेरस और फेरक आयन नहीं लिखना, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि पता नहीं फेरक है या फेरस आयन है, सही है। तो भाई बड़ा सिंपल सा मामला है ना, सब लिखो ही नहीं, हीम कैरी आयरन, आसान आसान, सिंपल सिंपल, सही है जी।
तो हीम कैरी आयरन, विच बाइंड्स ऑक्सीजन. If the बल्कि इसको यूं लिखेंगे, which binds oxygen and form oxy hemoglobin in lungs as it require high partial pressure of oxygen, high partial pressure of oxygen to bind it, and it releases out oxygen in tissue at low partial pressure of oxygen. मतलब तुम्हारा आंसर गलत है, बिल्कुल सही कर लो. वो पूछना चाह रहा है भाई ऑक्सीजनेटेड हो रहा है लंग्स में जाके, तो मतलब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का क्या फायदा उसमें? तुमने स्ट्रक्चर की बात बतानी है सारी, सही है जी. इनफेक्ट तुम अगर यही बताओगे ना कि इसके ना एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ छुपा हुआ होता है, हाइड्रोफिलिक बाहर बाहर से नुमाया होता है, और इसकी वजह से वो वाटर में इजिली मूव कर सकता है, समझ लो, तो भी आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, वो भी सही है. स्ट्रक्चर की बात करनी है, स्ट्रक्चर कह रहे भाई. फिगर 3.1 शोज अ डिसोसिएशन कर्व ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव गॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस वी हैव गॉट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. कह रहे यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर 3.1 टू कंप्लीट द टेबल बिलो. ये टेबल बेटा आप सब नौजवानों ने, मेरे तो बुढ़ापा आ गया, आप सब नौजवानों ने मिलके इसको कंप्लीट करना है, सही है. मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ 1, 2, 3 सी लिख दिया, हद हो गई है, मेरा वाकई में बुढ़ापा आ गया. तो 1 लिखो आगे आंसर लिखो, 2 लिखो आगे आंसर लिखो, 3 लिखो आगे आंसर लिखो, जल्दी जल्दी से लिखना शुरू कर. मुझे जवाब सबकी तरफ से चाहिए, जिसका जवाब नहीं आया ना उससे मेरी जिंदगी भर की, उम्र भर की नाराजगी हो जाएगी. जवाब सबका आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ऊपर से देखना है और नीचे लिखना है बखारी. ओके बढ़िया, 1 is 13. टू इज 5. ओके सना, मेरे पास अभी तक सुफियान का कोई जवाब नहीं आया है, वासे ने काफी देर से छोड़ा हुआ जवाब देना, दर्शना का फिर जवाब नहीं आ रहा है, अरीशा का फील खामोश बैठी हुई है, फरवा, फस्तजाब, हादिया, हाना, अरशद, हानिया, रियाज, हारिस, मैं सबके नाम ले रहा हूँ ना ताकि सब जाग जाए, ईमान, ईमान बेटा खामोश क्यों बैठे हुए हो, माज, माज आबिद, मतलब माज अकरम नहीं, मनाहिल, मिसबा कबीर, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सिद्दीकी, नेमरा, रिदा का एक दो जवाब आए थे, सना के एक दो जवाब आए थे, समरीन, सानिया, शायान, शायन तुम्हारे जवाब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे बेटा, बुशरा तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे हैं, जबीउल्लाह तुम्हारी तरफ से एक दो जवाब आए थे, आयमा, अदनान नहीं आए जवाब. आप लोग सब मेरी नाराजगी के लिए तैयार हैं इसका मतलब. खाना खा रहे हो अकेले अकेले ठूसे जा रहे हो यार, मतलब सर से, खैर मैं तो फिजिकल क्लास तो है नहीं. सही है भाई. ओके 13, 5 and 20 ठीक है जी, डन है. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. एक्सप्लेन हाउ, अच्छा मैं देखो फिर वो मेरी हरकत, बुरी हरकत,
मैं ऊपर वाला पार्ट मिस करने वाला था, अभी स्किप करने वाला था, मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल टिश्यू इंक्रीजेस, ओके, दिस स्टिमुलेट्स एन इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, ओके, एक्सप्लेन हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड. ये तो भाई बात आ गई है कुछ बोहर शिफ्ट वाली जैसी कुछ. HHB, hemoglobinic acid. ठीक है, बस सिर्फ एक बच्चा जवाब देगा, बाकी अच्छे खामोश रहेंगे, है ना, खामोशी का सवाब मिल रहा है बाकियों को. एक बच्चा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उस बच्चे का नाम मैं माज अकरम समझूं? नहीं यार भाई, सब लोग जवाब दो, ये बड़ा आसान सा सिंपल सा फॉर्मुलेशन है इसके अंदर. अच्छा जी, कार्बामाइन और हीमोग्लोबिन पे अभी हम लोग नहीं जा रहे, मैं तुम लोग को इसका एक सिंपल सा वो बता दूं, यार ये बार बार रिपीट होगा सवाल, ये बार बार आएगा. हाँ यार माज, मैं भी ये सोच रहा था भाई, माज तुम अपना नाम चेंज कर दो, MA कर दो. ओके जी, मैं तुम लोगों को दो बातें बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन में तुमने मेंशन नहीं करनी. सबसे पहले तो ये देखना मेंशन करना क्या है. तुमने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलके बनाती है कार्बोनिक एसिड. ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज. पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, ऐसे लिखोगे चलेगा नहीं, सही, पूरा पूरा लिखना है पहली बात. दूसरी बात क्या आ जाएगी कि कार्बोनिक एसिड जो होता है, अभी यहां पे बात रुकेगी नहीं, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से टूट के हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है और हाइड्रोजन आयन अलग कर देता है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग कर देगा. अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है. ये हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बाहर प्लाज्मा में है तो सोडियम से रिएक्ट कर जाएगा, और अगर सेल के अंदर है तो वाटर ऑफ आरबीसी के अंदर है अगर लेट सपोज, तो ये पोटेशियम से करेगा, क्योंकि बेटा हमेशा देखो सेल के बाहर, अगर ये एक सेल है तो सेल के बाहर सोडियम आयन की तादाद होती है हमेशा ज्यादा, सेल कहीं का भी हो, और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की तादाद होती है ज्यादा. सही है, अब तुमने बताना है कि जो हाइड्रोजन आयन है, दिस हाइड्रोजन आयन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड. हीमोग्लोबिनिक एसिड, एक सवाल है मेरा, चीज का जवाब दे दो, देखते हैं कौन सा बच्चा देता है पहले. सही है, अभी तक मेरे पास सिर्फ उन्हीं बच्चों के जवाब आ रहे हैं जो कि जिन्हें मैं पढ़ाता रहा हूं. सही है, तो इसका मतलब ये कि बाकी बच्चों ने अच्छा नहीं पढ़ा हुआ या उन्हें नहीं आता. सही है, मैं अब यही कंसिडर कर रहा हूँ, बाकियों को नहीं आता. सही है, तो अब देखते हैं कौन जवाब दे रहे हैं, कंसिडर करते हैं, सबका जवाब आएगा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ. चलो सही है, सवाल ये है कि क्या ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन पे उसी जगह पे लगेगा जहां ऑक्सीजन लगता है, या कहीं और अलग से जाकर लगेगा. ओके, सुफियान इज सेइंग सेम, कहीं और, सेम, डिफरेंट,
सेम 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 डिफरेंट 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 ओके ओके हाइड्रोजन इज पॉजिटिव ओके फेस रिदा सेम क्वेश्चन हो रिदा पूछ रहे हो बता रहे हो यार ये बताओ रिदा तुमने पूछना क्यों होता है यार इतना तुमने बताना है अभी चलें जी आज आप ये नोट कर लें हीमोग्लोबिन पे जो हाइड्रोजन आके लगता है वो ऑक्सीजन की जगह पे कैसे रिप्रेजेंट करूं इसको हीमोग्लोबिन पे जो हाइड्रोजन आके लग रहा है वो ऑक्सीजन की जगह पे ये ऑक्सीजन था उसकी जगह पे नहीं लगता ये अलग से लगेगा जाके समझ रहे हो और उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा डज इट रिलीजेस आउट ऑक्सीजन ठीक है जी तो यही वजह है कि कभी कभार दिखने में क्या होता है जैसे अभी कोविड के पेशेंट साथ ऐसा हो रहा था दिखने में क्या हो रहा है कि भाई बाजाहरी तौर पे जब हम पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर रहे हैं तो वो तो आ रही है ओके ऑल गुड सही है लेकिन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इश्यू आ रहा है ठीक है तो हम बॉडी में यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है या बढ़ रही होती है तो उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट करते हैं पता नहीं आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो जुनेद को बहुत अच्छा पता था स्ट्रेस का जुनेद आज आया नहीं है क्लास में खैर तो वो होता है आपके पास एबीजीज एबीजीज कहलाता है एट्रियल ब्लड गैसेस आर्टीरियल ब्लड गैसेस मतलब एट्रियल कह रहा हूँ सॉरी आर्टीरियल ब्लड गैसेस सही तो उसमें आर्टरी में जो ब्लड मौजूद है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी गैस मौजूद है वो पता करते हैं तो उसमें कभी कभार हमें अलग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई मिलती है जिसका मतलब ये होता है कि अभी तो सेचुरेशन कम नहीं करेगी लेकिन अचानक से सेचुरेशन ड्रॉप करेगी जो कि कोविड के पेशेंट में होता है कि अगर एक बंदे की सेचुरेशन 88-86 तक जाना शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर फौरन से ड्रॉप करती है सही है बात को समझ रहे हो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन की कमी हमें वाजे तौर से नजर नहीं आई थी जो कि हो रही थी जो कि एक ऑल्टरनेट पैटर्न पे हो रही थी और वो ऑल्टरनेट पैटर्न क्या था उसका वो ऑल्टरनेट पैटर्न ये था कि उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी ठीक है जी चलो इस सवाल की तरफ चलते हैं ओके सबके जवाब आना शुरू हो गए हैं क्या बात है भाई बी क्या है बी नहीं बताया किसी ने ए तो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल है नहीं ए साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ना यार इसको व्हाइट ब्लड सेल नहीं मार्क करेंगे एफ इसका न्यूक्लियस है ई इसका कुछ विजाइकल है कोई छोटा मोटा सा सही है ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है और ये हमारे पास कैपिलरी सेल है ठीक है चलें जी आगे चलें तो अब ये बोल रहा है कि नेम ऑफ द सेल ए एंड बी ए क्या है आपके पास सेल ए कहाँ है सेल ए व्हाइट ब्लड सेल है अब तुम्हें पहले ये बताना होगा भाई इस तरह का जो बायलोब या ट्राइलोब स्ट्रक्चर मिलता है यानी कि ऐसा का जो लॉब्यूलर लोब्स वाला जो इस तरह का लॉब्यूलर लोब्स वाला न्यूक्लियस मिलता है वो कौन से वाले व्हाइट ब्लड सेल में मिलता है ये हमें मिलता है न्यूट्रोफिल्स में फेगोसाइट्स भी लिख सकते हो फेगोसाइट्स में भी मिलता है और न्यूट्रोफिल खुद भी फेगोसाइट है सही है लेकिन मैक्रोफेज में ऐसा नहीं मिलेगा न्यूट्रोफिल में ऐसा मिलता है तो न्यूट्रोफिल लिखो ज्यादा स्पेसिफिक है ठीक है अच्छा जी बी वाला वो बोल रहा है सानिया ने जवाब दिया बी इज स्क्वायमस एपिथीलियम बी इज यस स्क्वायमस एपिथीलियम सेल का नाम स्क्वायमस एपिथीलियम ही होगा लेकिन अगर आप एंडोथीलियम लिख दें तो वो भी चलेगा एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि एंडोथीलियम भी दिखने में बिल्कुल ऐसे ही होता है सी का वो पूछे रेड ब्लड सेल है फंक्शन बताओ कैरी ऑक्सीजन यार ये कैसे निकालूंगा मैं साइज इसका कह रहे जो सेल बी है उसका 20 है जो सेल सी है उसका 7 है मैग्निफिकेशन से नहीं निकाल सकते एक तो मसला यहां पर यही आ जाएगा ना कि मैग्निफिकेशन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा
सही, सेल सी का जो 7 साइज दे रहा है, अगर वो कह रहा है यार यहां से यहां तक 7 है मेरे पास, सही है, ये 8000 दिया हुआ है मैग्निफिकेशन उन्होंने, मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हो वैसे तो, चलो हाँ मैग्निफिकेशन निकाल लो यार, बिला वजह की लंबी करवाऊंगा, ये टॉपिक का पार्ट है नहीं, आगे चलते हैं। हाँ नीचे दी भी है बिल्कुल। अच्छा एक मैं बताता चलूँ, वो मैं बताऊंगा नहीं ना, मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। आप इसमें कंपैरेटिव साइज लिख सकते हो, लेट से यार अगर ये 7 है तो ये कितना होगा मेरे स्केल के ऊपर, हो सकता है ये 7 बराबर हो, 7 बराबर हो, 7 माइक्रोमीटर मेरे स्केल के ऊपर हो सकता है बराबर हो 3 सेंटीमीटर के, जब मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा, लिख दूंगा जल्दी से, सही, क्योंकि इसके इतने मार्क्स है नहीं, एक मार्क का सवाल है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। Gets into a bell shape and lead out into the plasma. Okay, क्या कह रहा है भाई? पहले जो organelles के नाम होगा, explain how the glucose, how oxygen and glucose move from the blood into the capillaries. Okay जी, ठीक है। पहले बात करेंगे oxygen की। आपने एक चीज मेंशन करनी जिसके ऊपर मार्क मिलेगा, ऑक्सीजन मूव बाय, हाँ बिल्कुल फैस, बाय सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें होता क्या है, द ऑक्सीजन मूव फ्रॉम high concentration gradient to, which is in capillary, to low concentration gradient, which is in tissue. इसके बाद आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आपके पास कैसे मूव करेगा, ग्लूकोज बेसिकली it is forced out due to the pressure gradient, ek concentration gradient pe move kar raha hai, dusra pressure gradient pe move kar raha hai, through the pores, in pores ko gap junction bhi keh sakte ho, through the pores in capillaries. Describe the structure of the wall of a vein differ from that of a capillary. Abhi, answer. Beta, active transport nahi hogi beta. Facilitated to ho sakti, active nahi keh sakte hum usse. Capillaries have endothelial squamous. अच्छा ठीक है guys, एक मिनट दो यार, मैं एक चीज लेके आ रहा हूँ, I need a tissue, मैं एक मिनट में आता हूँ। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का सबसे ज्यादा होता है, ट्यूनिका इंटिमा इज वाइडर, वेन्स हैव सेमी ल्यूनर वेल, ओके, वेन्स हैव
ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन एंड वेल्स, ओके ठीक है जी। वॉल ऑफ कैपिलरी हैज थ्री लेयर्स व्हाइल वॉल ऑफ कैपिलरीज है, वॉल ऑफ वेन हैज थ्री लेयर व्हाइल वॉल ऑफ कैपिलरीज हैज, सही है जी, ठीक है ठीक है, सबके जवाब एक्सेप्टेबल है और मेरे ख्याल से इसमें मुझे फर्दर लिखने की जरूरत तो नहीं है। एक सवाल की तरफ आते हैं, एक मिनट दीजिएगा जरा, ये कौन सा सवाल का पार्ट है, ये इसी सवाल का, ये वाला सवाल करो बच्चों जरा जल्दी जल्दी से, मुझे आप लोगों के बहुत तेज तेज वाले रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे इस पे क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है ना। पहले तो जरा लेबलिंग बताते जाओ इसकी, ओके Q इज बाइकस्पिड, ओके सना, P इज ट्राइकस्पिड, बाइकस्प आ गया, ट्राइकस्प आ गया, बस दैट्स इट। आर और एस को, अच्छा जी, आर एस, एस इज पल्मोनरी वेल्व एंड आर इज एओर्टिक वेल्व, ओके निम्रा, डन है। अब जरा यहां पर बताओ, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट टू शो द पाथवे थ्रू द हार्ट, वेना कैवा राइट एट्रियम, वेल्व पी, सेमी ल्यूनर नहीं लिख सकते, हाँ सेमी ल्यूनर लिख लो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक तो राइट वेंट्रिकल हो गया, चलो ठीक है जी, राइट वेंट्रिकल आ गया, दूसरे में क्या आएगा, पल्मोनरी वेन आ गया, ठीक है जी, पल्मोनरी वेन डन। ये वाला बताओ अब जल्दी जल्दी से, फिर ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। They're attached to the cordae, valves prevent backflow of the blood and ensure one-way flow of blood. Okay, ठीक है। कह रहे कि भाई valve P और Q one-way flow ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट कैसे इंश्योर करते हैं। अगर तुम इसमें ये लिख दोगे कि वो बैक फ्लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम इसमें लिख दोगे कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, तो सवाल में वो ये बात सेम नहीं कह रहा। मिसबा तुम बताओ बेटा मुझे, तुमने भी मेंशन किया बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बुशरा तुम भी बताओ, सुफियान तुम भी बताओ, तुम तीनों ने ये बात लिखी है, ये वन वे फ्लो बैक फ्लो नहीं करवाने के तो नाम है ना,
रिपीटिशन नहीं हो रही। पैपिलरी मसल की बात आ जाएगी, माज ने बताया दे आर अटैच टू द कॉर्डाई टेंडनी, ये वाली बात आपसे मेंशन करोगे, ठीक है। चलो मैं इसका जवाब बताता हूँ, जरा लिख लिख के मेंशन करके बताता हूँ, सही है। दीज वेल्व्स ओनली ओपन्स टू वन साइड ऑफ द हार्ट एंड ड्यूरिंग द फेज व्हेन द चैम्बर beneath them। अच्छा ये वाली बात हो जाएगी, जरा गलत है, ये हटाते हैं। एक पॉइंट चलो ये हो गया, दूसरे पॉइंट पे तुम मेंशन करोगे एंड दे क्लोजेस अप व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन is completed, ठीक है। अच्छा फैज ने भी मेंशन किया valves closes when the pressure in the ventricle is greater। यहां पर जो P और Q है ना, देखो एक दफा गौर से देख लो, ये दोनों साइड के ऊपर आपके पास एट्रिया से ब्लड उतरेगा वेंट्रिकल में, ठीक है। तो when the contraction is completed कहां पे, एट्रिया में या वेंट्रिकल में? इन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर एंड वेंट्रिकल्स आर अबाउट टू पंप, ठीक है। तुमने फेजेस के हिसाब से रिलेट करके बताया कि भाई एक साइड पे खुलेगा और एक ही दफा खुलेगा और दूसरी दफा बंद हो जाएगा, समझ रहे हो भाई बात को। द कार्डियक साइकिल डिस्क्राइब्स द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, फिगर शोज द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर दैट अकर विद इन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा वन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। लेफ्ट साइड की बात हुई है खाली, और यहाँ पर अलग अलग लाइन से अलग अलग चीजें शो हुई हैं, जैसे कि जो बिल्कुल डॉटेड लाइन है पहली वाली ऊपर सबसे टॉप वाली लाइन, ये आपके पास एओर्टा रिप्रेजेंट कर रही है, फिर जो प्रॉपर लाइन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल शो कर रही है, और फिर जो डैश्ड लाइन है वो लेफ्ट एट्रियम शो कर रही है, ठीक है। इस ग्राफ को जरा पढ़ना सीखो, दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसका जवाब देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब फिर क्लास एंड करेंगे। YouTube वाली बात याद रखना भाई, मैं उसका तुम लोगों को लिंक दोबारा से भेज दूंगा ग्रुप के ना, वैसे मैंने पहले भेजा हुआ है, सही है। ये टेबल कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं। कह रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल में जा रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल में कब जाएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल में जा रहा है, अच्छा ये भी मार्क हुए नंबर, सही है। इनमें से कोई हमें नंबर नीचे लिखना होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल में कब जाएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा जब यहां से ऊपर उठेगा और यहां तक पहुंचेगा, गुड वन। दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व क्लोजेस, सेमी ल्यूनर वेल्व बंद हो रही है, एओर्टिक तो वैसे ही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड की बात हो रही है। सेमी ल्यूनर वेल्व कब बंद होगी? सेमी ल्यूनर वेल्व बंद होगी, ओके मिसबा, हना हना आई गेस, हना इरशाद, ओके तानिया, सबके सब सही जवाब दे रहे हैं, मैं क्या एक्सप्लेन करूं इसमें। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ रिलैक्सिंग, एक दफा मैं भी देख लूं पॉइंट तो। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करेंगे, कब करेंगे भाई? जब यहां से आपके पास नीचे ग्राफ ड्रॉप होना शुरू होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के लिए देख लो, दो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली लाइन भी देख लो आप, सही है। और लेफ्ट एट्रियम वाली, वेंट्रिकल तो ऊपर क्लियर नजर आ रहा है नीचे आता हुआ, तो
ये आ जाएगा आपके पास का आंसर टू, सही है। और सेमी सर्कुलर कैनाल, सॉरी सेमी सर्कुलर, सेमी ल्यूनर, सॉरी सॉरी सॉरी, सेमी ल्यूनर एओर्टिक वेल्व ओपन कब होगी? 0.4, 4 पे ओपन होगी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे सेमी, अच्छा जी एओर्टा में है ना, क्योंकि एओर्टा में जब ऊपर जाएगा प्रेशर तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ओपन होगी वेल्व। तो ये आ गया आपके पास 4। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एस ए नोड ए बी नोड, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसका पार्ट। अगला सवाल बाकी का इंशाल्लाह हम लोगों को मौका मिला कभी तो फिर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को दो बातें फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला भाई, यूट्यूब के ऊपर हम लोग क्योरी सेशन रखेंगे रिविजन स्कीम का, और रिविजन स्कीम के जो पूरा टाइम टेबल होगा, जो उसकी सारी डिटेल होगी, वो मैं आप लोगों के ग्रुप पे कल रात तक भेज दूंगा। हमने 25th या 26th से स्टार्ट करना है, हम उसमें टोटल 5 दिन का सेशन रखेंगे जिसमें हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। 5 से 6 दिन का होगा, मतलब या तो 6th डे या तो फिर 7th डे हमारा जो है ना वो क्योरी सेशन होगा, जिसमें तुम्हारे जितने भी वो सवाल हैं, जिस जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो, वो सवाल लेके जो है ना तुम लोग आ जाओगे लाइव पर। उसके लिए तुम लोगों ने करना ही होगा कि पहले तो यूट्यूब के ऊपर सब्सक्रिप्शन बढ़ाने होंगे। तो जो चैनल है ना उसका लिंक तो मैंने भेजा हुआ था पहले भी, आगे मैं दोबारा उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तुम लोगों का काम ये कि तुम लोग अपने अपने तमाम दोस्तों को भेज दो इस पास, इनके पास पेपर्स की भी जो सोल्यूशन है ना पुरानी, कुछ वीडियोस उस पर डली हैं, वो भी तुम्हें हेल्प आउट करेंगे इस पर से, सही है। जैसे उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सेल है, उसमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ओएल का, उसमें आई गेस एंजाइम भी है उसके अंदर, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, 4 चैप्टर्स तो है उसके अंदर, ठीक है। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं भाई, अपना ख्याल रखना आप लोग सब, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। चैप्टर 1 है बिट ऑफ एज, उसमें आई गेस सो।